गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बर्च रिडक्शन के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन। तो व्हाट इज क्लेमेंसन रिडक्शन? क्लेमेंसन रिडक्शन इज द रिडक्शन ऑफ कीटोन और कार्बोनाइल ग्रुप इनटू एल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे क्या होता है, जिंक अमलगम और कंसनट्रेट HCl के प्रेजेंस में ये कार्बोनाइल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है? CH2 ग्रुप में। तो ये दो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि कीटोन किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्केन में, और यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप भी किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्केन में। तो अब अपन आगे डिस्कस करेंगे। अगली रिएक्शन देखिए, मैकेनिज्म ऑफ कार्बोनाइल क्लेमेंसन रिडक्शन। तो देखिए यहाँ पे जनरल रिएक्शन शो कर रखी है, कार्बोनाइल को CH2 में रिड्यूस कर रखा है। तो मैकेनिज्म क्या होगी, सबसे पहले स्टेप में कॉन्सेंट्रेट HCl का H+ ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करता है। जैसे ये लोन पेयर पर अटैक करता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और खुद न्यूट्रल हो जाता है, और इस कार्बन एटम पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए जिंक मेटल क्या करता है, अपने दो इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और कॉन्सेंट्रेट HCl क्या करता है, H+ की प्रेजेंस में ये नेगेटिव चार्ज पर H+ आके जुड़ जाता है, और वैसे ही एक और H+ इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करता है, जिससे किसमें कन्वर्ट हो जाता है, OH2 पॉजिटिव में। इट मींस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसे न्यूट्रल करने के लिए क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और H2O बाहर निकल जाएगा, और जैसे ये बाहर निकला इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी लेके चलनी है कि अगर यहाँ पर लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोर स्टेबल की अगर पॉसिबिलिटी है तो वो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करके मोर स्टेबल में कन्वर्ट होगा, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। और अगले स्टेप में इस पॉजिटिव पर ये जिंक दो इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस नेगेटिव पर H+ अटैक करके ये मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पॉजिटिव बन रहा है, लेकिन ये रीअरेंजमेंट शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंपल कार्बोकेटायन ना होके ऑक्सोनियम आयन है, जो कि अपने आप में स्टेबल होता है, इसीलिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट होगा। अगला स्टेप है क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ 1,3 डाइकीटोन। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, मोनोकीटोन विथ रीअरेंज्ड कार्बन स्केलेटन। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होती है वो होती है पिनेकोलोन टाइप रीअरेंजमेंट फॉलो होता है। तो देखिए, सबसे पहला ये दो रिएक्शंस दे रखी है। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट HCl H+ डोनेट करेगा, और दोनों के ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करके ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव में। तो ये इधर गया, यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, दोनों कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जिंक क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पर रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगा, और रेडिकल आपस में रिएक्शन करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। और अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर NGP टाइप मैकेनिज्म फॉलो होगी। तो देखिए कैसे फॉलो हो रही है, यहाँ पर ये इस ऑक्सीजन के लोन पे यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, फिर यहाँ शिफ्ट होंगे तो कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, कार्बन की जैसे वैलेंसी बढ़ेगी ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, और जैसे इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी ये क्या करेगा, इस OH को बाहर निकाल देगा, और OH क्या करेगा, इस OH पर कॉन्सेंट्रेट H+ अटैक कर रहा है, तो ये H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये बन गया। उसके बाद जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेट HCl। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कार्बोनाइल का रिडक्शन ना होके क्या हो रहा है, यहाँ पर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल का रिडक्शन हो रहा है। और अगर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल होते हैं तो जिंक मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl क्या करती है, एल्कीन को रिड्यूस करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्कीन को रिड्यूस करेगी। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, मोनोकीटोन विथ रीअरेंज्ड कार्बन स्केलेटन।
ठीक है, उसी तरह से अपन अगले उसमें भी सेम मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, इस वाले रिएक्शंस में भी इस सेम तरीके मैकेनिज्म फॉलो होगी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। कुछ फीचर्स हैं, फिनॉलिक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिडक्शन नहीं होता है, ये अनइफेक्टेड रहता है। हाई मॉलिकुलर वेट वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें भी इससे रिडक्शन नहीं किया जा सकता। बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एसिड आर नॉट रिड्यूस्ड बाय दिस मेथड, तो दोनों ही रिडक्शन शो नहीं करेंगे। अगर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स दे रखे हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा, ना कि कार्बोनाइल सिंपल कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूस नहीं होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो जाएगा और कार्बोनाइल एज इट इज मेंटेन रहेगा। क्लेमेंसन रिडक्शन फेल्स विथ एसिड सेंसिटिव, तो यहाँ पे देखिए क्लेमेंसन रिडक्शन जो है एसिड सेंसिटिव, यहाँ पे एसिड सेंसिटिव मीन्स यहाँ पे रिडक्शन तो हो जाएगा इसका, लेकिन यहाँ पे इस कार्बोनाइल का तो रिडक्शन हो जाएगा, बट ये जो ग्रुप है हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये क्या करेगा, इस पर कॉन्सेंट्रेट एच प्लस की फॉर्म में अटैक करेगा, एच टू बाहर निकलेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन जनरेट होगा क्योंकि स्टेबल है, और ये सी एल माइनस क्या करेगा उसके पोजिशन ले लेगा। तो यहाँ पे डिजायर प्रोडक्ट अपन को ये चाहिए था, लेकिन मिला क्या ये, तो ये रिएक्शन फेल हो जाती है एसिड की प्रेजेंस में। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, अगली क्लास में अपन आगे के रिडक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो तक हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिडक्शन को डिस्कस कर लिया था, आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोसिलाइलेशन और हाइड्रोसिलेशन। तो हाइड्रोसिलेशन जो है वो ऑर्गेनोसिलेन्स और ऑर्गेनोसिलिकॉन्स कंपाउंड्स को बनाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेलाइटिक रिएक्शन है। यहाँ पर एच एस आई बॉन्ड को इंसर्ट किया जाता है किसी भी अनसेचुरेटेड मॉइटीज में। अनसेचुरेटेड में जनरली एल्कीन लेते हैं, लेकिन इस एल्कीन के अलावा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और जितने भी अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल्स हैं वो ये रिडक्शन बाय हाइड्रोसिलाइलेशन दे सकती है। अगला स्टेप देखिए इसकी मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में सबसे पहला एडिशन होगा, जो आपने कॉम्प्लेक्स लिया है उस पर होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ सिलिकॉन एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है, इट मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, तो इस मेटल सेंटर पर एक कोऑर्डिनेशन से तो हाइड्रोजन जुड़ेगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सिलिकॉन जुड़ जाता है, तो इसका दो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया। आफ्टर दैट यहाँ पर एल्कीन जो है वो इंसर्शन रिएक्शन होती है, तो एल्कीन यहाँ पर इसका इंसर्ट कर दिया, अभी तक एक पार्शियली इंसर्शन हुआ है। अगले स्टेप में क्या होगा, बीटा इंसर्शन यहाँ पर, इट मींस ये जो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, बीटा कार्बन पर इंसर्ट करेगा। तो किस तरीके से इंसर्ट करेगा, एल्कीन के जो ये डबल बॉन्ड का बॉन्ड है ये मेटल सेंटर पर ट्रांसफर होगा, और जैसे ही कम्प्लीटली बॉन्ड ट्रांसफर होगा ये वाला कार्बन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, आपका बीटा इंसर्टेड प्रोडक्ट। अब अगले स्टेप में देखिए इस एडक्ट का क्या हो रहा है, रिडक्टिव एलिमिनेशन, और जब भी रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मेटल है ये क्या करेगा, इस सिलिकॉन को फ्री करेगा और ये सिलिकॉन फ्री होके इस कार्बन पर अटैक करेगा और आपको आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा और इस प्रोडक्ट में क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये सिलिकॉन क्या है, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर ऐड हो चुके हैं, और आफ्टर दैट यहाँ पर ये मेटल जो है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। और एक लिगेंड का इसमें से लॉस हुआ था जब अपन ने यहाँ पर एडिशन किया था, तो वो एक लिगेंड फिर से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इस तरह से ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आने के बाद क्या करेगा, फिर से ये वाला साइकिल फॉलो करेगा और आपका इस तरह से ये प्रोडक्ट बनता जाएगा। सो इसके जो इम्पोर्टेंस हैं, ये हाइड्रोसिलाइलेशन रिएक्शन जो है वो बहुत सी इंडस्ट्रीज में काम में ली जाती है, लाइक ऐसे मोनोमर और क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर इससे बनाए जाते हैं जिनमें कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड्स होता है, और ये बहुत ज़्यादा यूज में ली जाती है सिलिकॉन इंडस्ट्री में। अगला देखिए मेटल हाइड्राइड रिएक्शन,
देखिए मेटल हाइड्राइड रिडक्शन जो है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड रिडक्शन होता है फॉलोड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो इसमें जो कुछ रिएजेंट्स ऐसे हैं जो वाइडली यूज किए जाते हैं लाइक सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और डाइबल मीन्स डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यही होता है। देखिए अब है रिडक्शन बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। इट मीन्स ये बहुत से ग्रुप्स को रिड्यूस करके प्रोडक्ट बनाता है। इसकी फॉर्म क्या होती है, ये या तो पाउडर फॉर्म में होगा या फिर पैलेट्स की फॉर्म में होगा। इसको हमेशा ईथर इथरल सॉल्यूशन में काम में लिया जाता है। वो नॉर्मल ईथर भी ले सकते हैं या टेट्राहाइड्रो फ्यूरेन भी ले सकते हैं, ये एक साइक्लिक ईथर होता है। और देखिए अगला क्या है, ये कार्बोनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को किसमें रिड्यूस करता है, अल्कोहल के अंदर रिड्यूस करता है। इट ऑल्सो रिड्यूस नाइट्राइल अमाइड और नाइट्रो ग्रुप इनटू एमीन, तो ये इन तीनों को भी रिड्यूस करता है। ये एल्काइन को किसमें रिड्यूस करता है, एल्कीन के अंदर रिड्यूस करता है। अब यहाँ पर इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है। तो यहाँ पर अपन इनका स्ट्रॉन्ग नेचर किस बेसिस पे देख रहे हैं कि जो इजीली हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा वो इजीली रिडक्शन करेगा और वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम जिनका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीक होगा वो सबसे ज़्यादा इजीली प्रोवाइड कराएंगे। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है। तो वीक होता है इसी वजह से ये क्या करता है, इजीली हाइड्रोजन दे देता है और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड में क्या होता है, बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो इतनी इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते जितना कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में। अगला देखिए मैकेनिज्म ऑफ रिडक्शन बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, AlH4- है और यहाँ पर आपने ले लिया कार्बोनाइल। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले AlH4- क्या करेगा, एक H- को रिलीज करेगा। तो H- यहाँ से यहाँ अटैक करेगा और ये इधर O- हो जाएगा। अब जैसे ही O- आया तो ये आयन पेयर के फॉर्म में रहेंगे, O- और लिथियम प्लस एनायन कैटायन के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये क्या बन गया, आपका लिथियम एल्कोक्साइड आयन बन गया। अगले स्टेप में यहाँ से जो H+ डोनेट करने के बाद न्यूट्रल AlH3 बचा, वो न्यूट्रल AlH3 है। तो आपको पता है ये न्यूट्रल तो है लेकिन ये क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये लुईस एसिड होता है। तो ये क्या करेगा, इस नेगेटिव पर अटैक करेगा। तो जैसे इसने इस नेगेटिव पर अटैक किया तो ये ऑक्सीजन तो न्यूट्रल हो गया लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इस एल्यूमिनियम पर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। और इस नेगेटिव के साथ कौन सा काउंटर आया है, लिथियम पॉजिटिव। अब अगले स्टेप में क्या करवाया है, यहाँ पर सिंपल हाइड्रोलाइसिस करवाया गया है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोलाइसिस होगा तो आपका क्या हुआ, इसने ये H+ डोनेट किया, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये तो आपका बन गया अल्कोहल। अल्कोहल के बाद यहाँ पर ये लिथियम प्लस और एल्यूमिनियम प्लस 3 का एक सॉल्ट बन जाएगा, ये बाई प्रोडक्ट्स हो गए। लेकिन अपना मेन प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर अल्कोहल। अगर इसका सिंपलेस्ट वर्जन देखें तो देखिए सिंपल रिएक्शन में तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है H- अवेलेबल करवाया, यहाँ O- आया, O- काउंटर आयन लिथियम प्लस के साथ आयन पेयर बना रहा है। अगले स्टेप में हाइड्रोलाइसिस से H+ आके इस O पर जुड़ गया और लिथियम प्लस आपका आयनिक फॉर्म में सॉल्ट की फॉर्म में बाहर चला गया। तो ये थी रिडक्शन बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अगले लेक्चर में हम आगे के रिडक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।